जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती है, मार्केट में अलग अलग तरह की जो वैरायटी की सब्जियाँ मिलती थी ना, ठंडियों में सब बिल्कुल बंद हो जाती है और दो चार ही ऑप्शंस रहते हैं। तो चलिए कुछ अच्छा सा चटपटा बनाते हैं। उसके लिए थोड़ी सी तैयारी कर लिया मैंने, और उसके वजह से मैंने थोड़ा सा अनियन यहाँ पर चॉप कर लिया है बारीक सा। मैंने टोटल दो प्याज यूज़ किए हैं, आप चाहे तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। टमेटोज़ को भी चॉप कर लेना है, और यहाँ पे मैंने दो टमेटोज़ को यूज़ किया है एंड इसे साइड पे रख देना है। नेक्स्ट एक ओखली में लेंगे थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्च एंड साथ ही में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, और साथ ही में कश्मीरी मिर्च ऐड कर ली है कलर के लिए। और सॉल्ट ऐड करने से ना जो सब कुछ कूटता है ना, वो यहाँ वहाँ उड़कर नहीं जाता है, तो एक अच्छा सा हैक मुझे लगा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, और यहाँ पर अभी एक पैन गरम किया है एंड इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच के करीब ऑयल डाला है। आप चाहें तो इसमें घी या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा जीरा ऐड किया है एंड उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था ना लहसुन और हरी मिर्च का, उसको ऐड करके हल्का सा सौते कर लेना है। कुछ सेकेंड्स के लिए यहाँ पर सौते करना है लो फ्लेम पर, वरना ये सबको ना जलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो हमने अनियंस चॉप किए थे उसे यहाँ पर ऐड कर देना है इस स्टेज के लिए एंड थोड़ा सा पका लेना है। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए ना तब तक यहाँ पर इसे पका लेना है। अनियंस अच्छे से सौते हो जाए ना तभी यहाँ पर ऐड करना है कड़ी पत्ता। यहाँ पे मैंने एक स्प्रिग ऐड किया है, आप दो भी कर सकते हैं। प्याज और कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपने अगर ट्राई नहीं किया ना तो इट्स अ मस्ट ट्राई। इसको अच्छे से सौते कर लेना है एंड साथ ही में यहाँ पर कुछ बेसिक से मसाले डाल लेते हैं, जैसे कि हल्दी, मिर्च, धनिया, और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा छोले का मसाला। जो टमेटोज कट किए थे उसके इस तरीके से प्योरी बना ली है एंड उसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके सबको अच्छे से यहाँ पे सौते कर लेना है। और जब तक के मसाला अच्छे से भून जाए और हल्का सा तेल रिलीज होने लगे ना, तब तक यहाँ पे हमें इसे कंटिन्यूसली भूनते रहना है। इस पूरे मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देते हैं ताकि वो अच्छे से पक जाए। एंड यहाँ पे मैंने चना होता है ना जो काला वाला, उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था एक प्रेशर कुकर में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, और कुछ इस तरीके से ये मैश हो जाने चाहिए। वैसे एग्जैक्ट टाइम तो कुछ होता नहीं है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट्स में हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद यहाँ पर ढक्कन मैंने उठा लिया है एंड थोड़ी सी यहाँ पे स्लिट ग्रीन चिलीज़ और जिंजर जूलियंस मैंने ऐड कर लिए हैं। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन आप ऐड करेंगे ना तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, इसे भी ज़रूर से ऐड कीजिए। एंड तभी हमें सब कुछ यहाँ पे अच्छे से सौते करके हल्का से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया है। वैसे आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का भी कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी डालने से सब्जी का स्वाद रिटेन रहता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसमें फ्लेवर निकल कर आता है। और यहाँ पे ढक के थोड़ी देर के लिए हमें इसे पकने देना है, यानी कि बॉयल होने देना है। 2 से 3 मिनट बाद यहाँ पर ढक्कन हटा लिया है एंड इसमें ऐड कर देना है जो हमने चने को बॉईल करके रखा था ना। एंड एक अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ आपको, थोड़ा सा जो इसमें मशी सा फ्लेवर आता है ना और टेक्सचर भी आता है थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी वाला, तो उसके लिए यहाँ पे इस तरीके से चनों को हल्का सा मैश कर दीजिए एक पोटैटो मैशर के हेल्प से, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक उबला हुआ अगर आलू भी ऐड कर देंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से थिक एंड क्रीमी ग्रेवी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो ये एक हैक था, छोटा सा टिप था मेरे घर में, मैंने सीखा है तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। चनों में भी इन सबका फ्लेवर्स अच्छे से आ जाए इसलिए कुछ देर के लिए यहाँ पे कवर करके मैंने बॉईल कर लिया था। एंड देखिए काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है ना इस स्टेज पे, यहाँ पे हमें इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर लेना है एंड थोड़ी सी जिंजर के जूलियंस एंड साथ ही में थोड़ी सी ग्रीन चिली, और यहाँ पे ऐड कर दीजिए 1 चम्मच भर के घी या फिर बटर, और इससे सब्जी का जो लेवल है ना स्वाद का, वो अगले लेवल पर चले जाने वाला है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो आपके घर में जो सबसे सुंदर सा बर्तन है उसमें आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसमें गार्निश करेंगे थोड़ा सा धनिया के साथ एंड थोड़े से यहाँ पे जिंजर जूलियंस एंड स्लिट ग्रीन चिलीज और गर्मा गर्म पूरियाँ। बस बताइए मुझे और कुछ चाहिए। काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। अगर आप किचन में नए हैं ना तो भी आपको बहुत ज़्यादा इसको बनाने में मज़ा आने वाला है एंड स्वाद के तो क्या ही कहने। अगर आप पूरियां प्रेफर नहीं करते हैं तो गरम गरम रोटी या फिर राइस के साथ भी आप इसे खा सकते हैं या फिर पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू आर शोइंग ऑन माई चैनल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। जय श्री गणेश।